आखिर चंद्रयान 3 को इतना टाइम क्यों लग रहा है टू रीच मून। चंद्रयान 3 इसरो का लेटेस्ट मिशन है जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, बट चंद्रयान 3 की एक्सपेक्टेड लैंडिंग डेट है 23 अगस्त 2023, यानी कि 40 डेज लग जाएंगे चंद्रयान 3 को मून तक पहुंचने में। सुनने में ठीक ही लगता है भाई, मून पे जा रहे जो कि अर्थ से 384,400 किलोमीटर दूर है। बेसिकली अर्थ और मून का इतना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट फिट हो सकते हैं, तो फिर इतना टाइम तो लगता ही होगा राइट। नो, एक्चुअली मून पे अगर डायरेक्टली जाए तो सिर्फ 4 से 5 दिन लगते। नासा जिनका पहला मून मिशन था जो कि था अपोलो 11, जिसको 1969 में लॉन्च किया गया था, उसको मून पे पहुंचने में 4 दिन 6 घंटा और 45 मिनट्स लगे थे। ये वही आइकॉनिक मिशन है जहां पर नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार मून पे कदम रखा था। बट इवन आफ्टर 54 ईयर्स इसरो को एक मंथ से भी ज्यादा क्यों लग रहा है मून पे पहुंचने को? क्या इसरो की टेक्नोलॉजी इतनी बेकार है? अगेन द आंसर इज नो, बल्कि ये इसरो के लिए काफी बड़ा एडवांटेज एंड एक जीनियस मूव है। बट हाउ? एक्चुअली इसरो अर्थ से मून पे चंद्रयान 3 को डायरेक्टली सेंड नहीं कर रहा है, बल्कि एक लॉन्गर रूट ले रहा है। एक्चुअली इस टेक्निक के थ्रू इसरो काफी कॉस्ट भी बचाता है एंड मिशन फेलियर का रिस्क भी रिड्यूस करता है। देखो, इसरो नासा में काफी बड़ा डिफरेंस है, वो है टेक्नोलॉजी या टैलेंट का नहीं, बल्कि वो है बजट का। इन 2021 इसरो का एनुअल बजट वाज अराउंड $1.9 बिलियन या फिर 13,000 करोड़ रुपए, एंड नासा का बजट था अराउंड $22 बिलियन या फिर 1,60,000 करोड़ रुपए। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अराउंड $20 बिलियन या फिर 1,40,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसरो का स्पेस मिशन का बजट बॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम होता है। चंद्रयान 3 का कॉस्ट इज ओनली अराउंड ₹615 करोड़। कंपेयर करो तो RR मूवी जो था उसका बजट था अराउंड 550 करोड़, एंड आदि पुरुष मूवी जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड मूवी मानी जा रही है, उसका बजट है अराउंड ₹700 करोड़। बेसिकली ये ऐसा है जहाँ पर एक अगर घर चलाने को 10,000 रुपए लगते हैं, उधर इसरो को वही घर को 1,000 रुपए में चलाना है, जिसकी वजह से इसरो को काफी डिफरेंटली सोचना पड़ता है देन एनी अदर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। बट यार एक बात समझ में नहीं आई, एक लॉन्गर रूट लेने से आखिर कॉस्ट कैसे कम लगेगी? यूजुअली ज्यादा टाइम लगता है तो ज्यादा फ्यूल लगेगा, ज्यादा टाइम से ऑपरेशनल कॉस्ट भी तो ज्यादा लगेगा। एक्चुअली इसरो जो टेक्निक को यूज कर रहा है उसे ग्रेविटी असिस्ट या फिर ग्रेविटी स्लिंगशॉट बोलते हैं। बेसिकली इस टेक्निक में स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट्स की ग्रेविटी का यूज करता है टू कवर द डिस्टेंस विदाउट यूजिंग प्रोपेलेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट, व्हिच रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन। इस टेक्निक में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के बाद स्पेसक्राफ्ट अर्थ के गोल गोल चक्कर लगाता है। स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एक साइड से काफी पास से जाता है एंड दूसरे साइड से काफी दूर से जाता है, एंड थोड़ा थोड़ा फ्यूल भी यूज करता रहता है ताकि अपनी ट्रेजेक्टरी को बदल सके, एंड ऐसा करते करते मून के ऑर्बिट में एंटर करता है। एंड मून के ऑर्बिट में एंटर करने के बाद वो ये सेम टेक्निक को यूज करता है बट इन रिवर्स टू रिड्यूस स्पीड एंड अप्रोच फॉर अ सॉफ्टर लैंडिंग विद मोर एक्यूरेसी। ये टेक्निक इसरो सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए यूज नहीं करता है, बल्कि इससे इसरो को और भी फायदे, जैसे कि इस टेक्निक से इसरो अपने मिशन फेलियर का रिस्क भी रिड्यूस करता है। बेसिकली इस टेक्निक से इसरो के पास काफी टाइम होता है, जिसकी वजह से इसरो को ट्रबल शूटिंग के लिए भी काफी टाइम मिलता है, एंड इवन वो अपने लैंडिंग की अप्रोच को रिकैलकुलेट भी कर सकता है। बिफोर लैंडिंग दे कैन मेक श्योर कि एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम देयर साइड। ना ही सिर्फ ये, बल्कि बजट के इशू के वजह से इसरो के पास लिमिटेड पेलोड होता है, यानी कि हमारे स्पेसक्राफ्ट में लिमिटेड स्पेस होती है, एंड इस टेक्निक के थ्रू हम हमारा जो पेलोड है उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एंड इसरो ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक इक्विपमेंट मून पे ले जा पाता है ताकि इसरो इस लॉन्च से मैक्सिमम फायदा उठा सके। एंड ऑल्सो इस बार हमें सिर्फ विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर ही सेंड करना है, क्योंकि लास्ट टाइम ऑर्बिटर ने अपना मिशन सक्सेसफुल कर लिया था, जिसकी वजह से इस बार स्पेसक्राफ्ट में ज्यादा स्पेस है जो कि इसरो अपने लैंडर को स्ट्रॉन्गर बनाने में यूज कर रहा है। एंड इसे कंपेयर करें नासा के अपोलो 11 के स्पेसक्राफ्ट सैटर्न V से, जो कि चंद्रयान 3 के LMV-3 से काफी बड़ा है, एंड विद मोर कैपेसिटी एंड फ्यूल वो एक डायरेक्ट पाथ लेने के केपेबल है। एंड ऑल्सो नासा का मिशन ऑब्जेक्टिव काफी डिफरेंट था देन इसरो। अपोलो 11 का ऑब्जेक्टिव था टू डू अ सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून विद एस्ट्रोनॉट्स एंड कम बैक सेफली ऑन अर्थ, जिसकी वजह से नासा ने अपने सारा बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज यूज करे एंड बजट वॉज नॉट इश्यू। एंड चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, टू परफॉर्म अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ रीजन एंड डिप्लॉय द रोवर, जो कि लास्ट टाइम नहीं हो पाया था, एंड इस मिशन में एक रश अप्रोच की जरूरत नहीं है, इसलिए स्लोअर अप्रोच काफी बेटर है चंद्रयान 3 मिशन के लिए।
एंड ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए यूज होती है एंड इसरो ही इसे यूज करता है, बल्कि नासा भी इसे काफी यूज करता है। ये टेक्निक स्पेशली यूज होती है जब नासा अपने स्पेसक्राफ्ट को दूर दूर प्लैनेट्स को स्टडी करने भेजता है, जैसे कि सैटर्न हो या नेपच्यून वगैरह हो। बेसिकली ये टेक्निक इसरो के लिए काफी जीनियस है, इससे इसरो का टाइम मिलता है, अपने पेलोड को मैक्सिमाइज कर पाता है एंड जिससे मिशन का सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। बट ये टेक्निक तो इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए भी यूज करी थी, देन व्हाई इट फेल्ड, वॉच माय दिस वीडियो टू नो मोर अबाउट इट।